The 9th Jagran Film Festival was all glittery as the Bollywood brigade made their presence felt. Celebrities like Sudhir Mishra, Sukhwinder Singh, Abbas-Mustan and Abbas's son Mustafa Burmawala, Pankaj Kapoor and wife Supriya Pathak, Vineet Kumar Singh, Anup Soni, Anurag Kashyap graced the event. मैं तो जागरण के साथ जब से जागरण का ये फेस्टिवल शुरू हुआ है तब से इन्वॉल्व हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जाता है फेस्टिवल ऐसी फिल्में दिखाता है उनको जो वहाँ आमतौर पे जो नौजवान हैं ख़ास तौर पे वहाँ के देख नहीं पाते हैं एक तरह के सिनेमा को देख पाते हैं एक भव्य सा हमारा जो सिनेमा है बड़ा जिसे आप बॉलीवुड कहते हो मैं हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री कहता हूँ तो वो एक तरह का सिनेमा है जो होता है रिलीज़ लेकिन अलग तरह का भी सिनेमा है दुनिया भर का सिनेमा है सोचने के नज़रिए अलग हैं आप दूसरे मुल्कों को भी जानते हैं उनके सिनेमा के ज़रिए उनकी संस्कृति कल्चर के ज़रिए तो बहुत अच्छा है ये जो काम है ये बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं इन्वॉल्व हूँ बहुत मुबारक है कि इस तरह का फेस्टिवल किया जा रहा है जो जो मैं समझता हूँ कि देश की जो धड़कनें हैं वहाँ तक पहुँचता है और ऐसे शहरों तक पहुंचता है जहाँ पे यंगस्टर जो है इस तरह का सिनेमा देख करके अपने लिए तय कर पाएगा कर पा रहा है और कर पाएगा आने वाले वक्त के लिए कि किस तरह का सिनेमा वो चाहता है कि बने और किस तरह का सिनेमा वो चाहता है कि देखे मैं खुश हूँ मेरी फिल्म मुक्काबाज इस बार इस फेस्टिवल में है 9th जागरण फिल्म फेस्टिवल में और मैं दिल्ली गया था और ये अपने आप में एक ख़ास बात है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से छोटे शहरों में वो फिल्में जो नहीं पहुंच पाती हैं वो जब वहाँ के ऑडियंस के बीच में पहुंचती हैं और वो ऑडियंस जो कलाकारों को बड़े पर्दे पे देखती आई है फिल्म देखने के बाद वो कलाकार उनके सामने होते हैं और उनके सवाल सीधे सीधे होते हैं और उनके जवाब उनको सीधे सीधे मिलते हैं ये अनुभव एज एन एक्टर मेरे लिए अच्छा है और ऑडियंस ने जो मुझे बताया वो बहुत ही कमाल का अनुभव है उनका